श्री रतनगढ़ माता मंदिर किसने चढ़ाया था पहला घंटा? हिंदुस्तान में देवी माँ के ऐसे कई चमत्कारिक मंदिर हैं, जिनकी महिमा को जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। माँ का ऐसा ही एक महत्वपूर्ण धाम मध्य प्रदेश के दतिया से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर गांव के पास स्थित है। यह पावन तीर्थ सिंध नदी के तट पर विराजमान है। कहते हैं कि यह मंदिर इतना सिद्ध है कि यहाँ की मिट्टी में चमत्कारिक गुण है। अगर किसी को जहरीले जीव ने, सांप ने डस लिया हो तो यहाँ की मिट्टी चाटने से रोगी तुरंत स्वस्थ हो जाता है। इसी मान्यता के चलते श्रद्धालु दूर दूर से देवी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। इंसानों के इलाज के अलावा जो पशु बीमार होते हैं उनका भी इलाज इस मंदिर में होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर कोई भाई दूज के दिन, जो कि दीपावली के बाद होती है, पशु को बांधने वाली रस्सी देवी माँ के पास रखने के बाद में उसी रस्सी से दोबारा पशु को बांधने से वह जल्दी ठीक हो जाता है। रतनगढ़ वाली माता का इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि जब मुगल तानाशाह अलाउद्दीन खिलजी का जुल्म ढाने का सिलसिला जोरों पर था, तभी खिलजी ने अपनी बुरी नीयत के चलते सेवड़ा से रतनगढ़ में आने वाला पानी बंद कर दिया, तो रतन सिंह की बेटी मांडुला व उनके भाई कुंवर गंगा रामदेव जी ने अलाउद्दीन खिलजी के इस फैसले का बहुत कड़ाई से विरोध किया। इसी विरोध के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने वर्तमान मंदिर परिसर में बने किले पर आक्रमण कर दिया, जो कि राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला को नागवार गुजरा। असल में राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला अत्यधिक सुंदर थी। उनकी खूबसूरती पर मुगल आक्रांताओं की बुरी नजर थी। इसी बुरी नजर के साथ खिलजी की सेना ने किले पर आक्रमण कर दिया। मुगल आक्रमणकारियों की बुरी नजर से बचने के लिए बहन मांडुला व उनके भाई कुंवर गंगा रामदेव ने जंगल में ही समाधि ले ली। तभी से यह मांडुला देवी और कुंवर बाबा भाई बहन का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की कई चमत्कारिक कथाएं आज भी लोगों में प्रचलित है। रतनगढ़ की देवी मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि हिंदू स्वाभिमान की रक्षा करने वाले हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सम्राट औरंगजेब ने पुत्र सहित बंदी बना लिया था। शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ स्वामी रामदास व दादा कोणदेव महाराज से दतिया आए तथा रतनगढ़ मंदिर में आकर रुके, जहां पर उन्होंने साधना की तथा शिवाजी महाराज को औरंगजेब की कैद से छुड़ाने की योजना बनाई। कहा जाता है कि हर रोज औरंगजेब को भेंट के रूप में फलों की टोकरी भेजी जाती थी, जो कि ऊपर से ढकी होती थी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। शिवाजी महाराज सारी रणनीति समझ चुके थे और उन्हीं टोकरियों का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज अपने पुत्र सहित टोकरियों में बैठकर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने माता के मंदिर में माथा टेका और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा मंदिर में सबसे पहला घंटा मराठा सम्राट वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने चढ़ाया था। इसके बाद यहाँ घंटा चढ़ाने की शुरुआत हुई। चंबल या आसपास का कोई भी ऐसा डाकू नहीं है जिसने की माँ के मंदिर में मस्तक ना टेका हो वो घंटा ना चढ़ाया। आज भी मंदिर में हजारों की तादाद में छोटे बड़े घंटे चढ़ते हैं। सन 2015 में मंदिर प्रबंधन व जिला कलेक्टर द्वारा यह फैसला लिया गया कि मंदिर में चढ़ाए गए घंटों को मिलाकर एक बहुत बड़े घंटे का निर्माण कराकर मंदिर परिसर में टांगा जाए। बाद में हुआ यह, इस कार्य को अंजाम देने के लिए ग्वालियर के मूर्तिकार प्रभात राय को यह कार्य सौंपा गया। 16 अक्टूबर 2015 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व नरोत्तम मिश्रा द्वारा देश के सबसे वजनी तथा सबसे तेज बजने वाला घंटा, जिसका वजन 1935 किलो है व 9 धातुओं से मिलाकर बनाया गया है, इस मंदिर में स्थापित किया गया। रतनगढ़ में दो मंदिर हैं, एक है रतनगढ़ वाली माता मंदिर व दूसरा उनके भाई कुंवर जी महाराज का। कहा जाता है कि कुंवर महाराज जी का इतना तेज था कि जब भी वह बीहड़ जंगलों में शिकार के लिए जाते थे तो सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते। इसीलिए जब किसी इंसान या जानवर को कोई भी विषैला जीव काट लेता है तो उसके घाव पर कुंवर महाराज
जी के नाम का बंध लगाया जाता है। बंध लगाने के बाद पीड़ित व्यक्ति पर विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। बाद में पीड़ित व्यक्ति भाई दूज यानी दीपावली के दूसरे दिन कुंवर महाराज जी के मंदिर में दर्शन करता है। इसके बाद वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। ये बहन भाई का स्थान है जी, कुंवर वाली माइन का बहन है, ये उनकी भैया है, इनके नाम का बंध लगता है। जो जीव जहरीले जीव जंतु कोई भी ऐसे डस ले उनके नाम का बंध लगाया जाता है और दीपावली की दूज के दिन इनका बंध कटता है। जब बहुत बड़ा मेला लगता है और जो भी श्रद्धालु मन में श्रद्धा करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। उनकी स्थापना तो बहुत प्राचीन है, शिवाजी के समय की है। मेला उस समय से बढ़ता है, अभी मतलब 20-25 साल से और ज्यादा मतलब मेला चला। रतनगढ़ में भाई दूज पर प्रसिद्ध मेला लगता है। इस मेले में लगभग 25 से 30 लाख लोग अपनी उपस्थिति माता के चरणों में दर्ज कराते हैं तथा माता रतनगढ़ वाली और कुंवर देव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। दूर दूर से लोग विवाह के बाद अपनी जीवन संगनी के साथ आशीर्वाद लेने आते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु देवी से मन्नत के रूप में नए घर व घर की समृद्धि के लिए कामना करते हैं, जिसके लिए लोग मंदिर परिसर में पत्थरों का प्रतीकात्मक घर बनाते हैं। घर इसलिए बनाते हैं कि ये घर जैसा दो मंजिल बना के जाए तो हमारा भी दो मंजिल घर बन जाता है। रतनगढ़ देवी मंदिर के दर्शन के लिए आप देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं। आपको सबसे पहले झांसी ग्वालियर दतिया के बस स्टैंड पर आकर रतनगढ़ वाली माता जाने की बस लेनी होगी। रतनगढ़ मंदिर के सबसे नजदीक हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थित है, जहाँ से आप बस या टैक्सी लेकर मंदिर पहुँच सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स। अति विचित्र पवन परम रुचिर रतनगढ़ धाम आदि शक्ति प्राजी जहां सफल होत सब काम। मगन हो बैठू तेरे भक्तों में तेरे दरबार। रतनगढ़ माता मंदिर रामपुरा गांव से 5 किलोमीटर और दतिया मध्य प्रदेश से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। मैया खुशी मिलती है तेरे दरबार में, मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को। ये दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ माता और कुंवर महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। हंसी मिलती है तेरे दरबार में। Thank you.
नमस्कार। मध्य प्रदेश के चंबल के इन वीरान बिहड़ों या पहाड़ों की ऊंचाइयों पर स्थित है मैया का एक पवित्र स्थान, जिसे हम माता रतनगढ़ वाली के धाम के रूप में जानते हैं। इस स्थान पर साक्षात जागृत रूप में बैठी मैया भक्तों के सभी दुखों व कष्टों का निवारण करती हैं तथा भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। कभी चंबल के बिहड़ बदनाम हुआ करते थे बागियों के नाम से, आज यही प्रसिद्धि पा रहे हैं माँ रतनगढ़ वाली के इस पवित्र धाम से। मैया के इस पवित्र स्थान के लिए कहा जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को कोई जहरीला सर्प या कीड़ा वगैरह काट लेता है, उस पर मैया के भाई को और महाराज के प्रताप से उसके विष का कोई प्रभाव शेष नहीं। सर्प कहीं भी दस लेता है, हाँ। मैया के नाम से बंद लगता है। और बंद कब खोला जाता है? बंद दीपावली की दोज पे दरबार में आते हैं, बाबा के दरबार में परिक्रमा करते हैं, योगा गांधी तुरंत खुला हो जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी यात्रा माँ रतनगढ़ वाली के इस पवित्र स्थान के लिए। मैया का यह पवित्र स्थान मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंतर्गत आता है, जहाँ पहुँचने के लिए हमें नजदीकी रेलवे स्टेशन ग्वालियर से हम लगभग 65 किलोमीटर की दूरी तय कर आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। ग्वालियर से जाते समय हमें इन वीरान भीड़ों या जंगलों से होकर गुजरना होता है, जो कि हमें रोमांचकारी अनुभव प्रदान करते हैं। कभी इन वीरान बिहड़ों या जंगलों में दुर्दांत बागियों का राज हुआ करता था, जिनके भय से पूरा चंबल क्षेत्र कांपा करा करता था। लेकिन यही चंबल क्षेत्र आज माँ रतनगढ़ वाली के इस पवित्र स्थान से इतना अधिक प्रसिद्धि पा रहा है कि यहाँ दूर दूर से सैकड़ों और हजारों की संख्या में भक्तगण या नियमित तौर पर पहुंचते हैं। मैया के इस पवित्र मंदिर में सोमवार के दिन भक्तों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा हजारों की संख्या में भक्तगण एवं श्रद्धालुगण मैया के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। ग्वालियर की ओर से जाते समय हम सीधे माँ के मंदिर तक पहुँचते हैं, हमें सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ना पड़ती हैं। माँ के मंदिर के लिए जाते समय हमें कुंवर महाराज पर चढ़ाने जाने वाले प्रसाद पान के पत्ते को अपने साथ अवश्य ले जा सकते हैं। भक्तों के द्वारा कुंवर महाराज को पान के पत्ते अर्पण किए जाते हैं। ग्वालियर या बिहड़ से जाते समय हमें सबसे पहले कुंवर महाराज के मंदिर के दर्शन होते हैं, लेकिन हम सर्वप्रथम मैया के दर्शनों के लिए जाते हैं। मैया के दर्शन करने के पश्चात हम कुंवर महाराज के दर्शनों के लिए जाएंगे। मैया के इस मंदिर पर भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए घंटे आपको जगह जगह पर दिखाई देने लगते हैं। पूर्व के समय में ऐसा कहा जाता था कि जिस बागी या डकैत के द्वारा यहाँ मंदिर पर घंटा नहीं चढ़ाएगा, उसे डकैत या बागी ही नहीं माना जाता था। मैया के दर्शनों के लिए जो भी भक्तगण दतिया की ओर से, इंदरगढ़, सेवड़ा, भगवपुरा की ओर से आते हैं, उन्हें कुछ सीढ़ियां चढ़कर माँ के इस पवित्र मंदिर तक पहुंचना होता है। जय माता दी कहते हुए हम कब सीढ़ियों से मंदिर तक पहुंच जाते हैं, हमें इस बीच थकान का क्षणिक भी एहसास नहीं हो पाता है। मैया के इस पवित्र स्थान के बारे में बताया जाता है कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों को मारने की नियत से सेवड़ा से जलापूर्ति रोक दी, तो यहाँ की राजकुमारी ने अपने भाई कुंवर देव के साथ एक निर्जन पहाड़ पर जाकर समाधि ले ली। तभी से यह स्थान बहुत अधिक पवित्र माने जाने लगा तथा इस स्थान पर आप भक्तों की अटूट श्रद्धा का अनुभव भी कर सकते हैं। क्षेत्रवासियों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि मैया के इस स्थान पर आने वाले सभी भक्तों की मन की मुरादें अवश्य पूरी होती हैं तथा उनकी कोई भी मुराद या मनोकामना खाली नहीं जाती है। मैया के इस पवित्र मंदिर का एक अन्य आकर्षण मैया के मंदिर पर चढ़ा हुआ एक विशाल घंटा हमें दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए सैकड़ों घंटों को मिलाकर बनाया गया है। भक्तों की मनोकामनाओं के पूर्ण होने पर भक्तों के द्वारा मैया को घंटा चढ़ाया जाता है तथा मैया के आशीर्वाद से जिन निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, उनके द्वारा पालना मैया को अर्पित किया जाता है। भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए इन घंटों को मिलाकर एक विशाल घंटा बनाया गया है, जिसे देश का सबसे बड़ा घंटा माना जाता है। अन्य कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाराज शिवाजी जिस जंगल में भ्रमण कर रहे थे, उस दौरान वे यहाँ पर पहुंचे थे तथा उन्होंने युद्ध के विजय होने के पश्चात
इस मंदिर के जीर्णोद्धार कराया था। यहाँ के क्षेत्रवासियों की मैया के प्रति इतनी अधिक श्रद्धा भाव है कि कोई भी शुभ कार्य होने के पश्चात मैया के दर्शन हेतु अवश्य पहुँचते हैं। चंबल क्षेत्र के वासियों के द्वारा नवरात्र के दिनों में यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में भक्तगण पहुँचते हैं तथा दीपावली के पश्चात भाई दूज पर यहाँ विश्व प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है जिसमें लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं। मैया के दर्शन करने के पश्चात हृदय में असीम शांति का अनुभव प्रतीत होता है। नवरात्र के समय यहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा मैया को जवारे या बारी अर्पित की जाती है जिसे यहाँ पर भारी संख्या में भक्तों के द्वारा मैया को चढ़ाया जाता है तथा मैया को चढ़ाई जाने वाली बारी नवरात्र के समय में एक विशेष त्योहार के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। मैया के इस पवित्र मंदिर में टंगा हुआ यह देश का सबसे विशाल घंटा और इसे छूने का एहसास एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। मैया के इस मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से गोवर महाराज के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। गोवर महाराज के इस स्थान के लिए कहा जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को कोई जहरीला सर्प या कीड़ा वगैरह काट लेता है उसे बंद बांध दिया जाता है तथा इस बंद को गोवर महाराज के इस पवित्र स्थान पर दीपावली की दौज के दिन खोला जाता है तो उस व्यक्ति का सारा विष या जहर उतर जाता है तथा उस पर किसी भी प्रकार के कोई विष या जहर का प्रभाव नहीं रहता है। कुंवर महाराज इस स्थान पर साक्षात रूप में विराजमान है तथा यहाँ पर पहुँचने वाले किसी भी भक्त को कोई भी कष्ट या दुख कभी नहीं होता है। इस स्थान से आप दूर दूर तक चंबल के इन वीरान भीहड़ों या पहाड़ों को भी देख सकते हैं तथा यहाँ पहुँच कर प्रसाद वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। खोला जाता है बंद दीपावली की दौज पे दरबार में आते हैं बाबा के दरबार में परिक्रमा करते हैं चौका गांधी है तुरंत खराब हो जाता है। मंदिर के पुनर्निर्माण का काम भी चल रहा है निर्माण का कार्य चालू है। अभी कोरोना काल में थोड़ा बंद हो गया है काम चालू। माता कौन सी है? मैया रतनगढ़ वाली मालूला देवी मैया इनकी बहन है। अच्छा तो कुंवर बाबा के पहले दर्शन किए जाते हैं फिर उनके दर्शन पहले मैया के दर्शन किए जाते हैं उसके बाद कुंवर बाबा का। माता रतनगढ़ की यात्रा की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका अनमोल समय देने के लिए धन्यवाद और अंत में यही कहूंगा जय माता दी।